Please click on subscribe and hit the bell icon to receive our updates. हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ आप जो है गूगल पे पे अपना अकाउंट कैसे बना सकते हैं, इसमें कैसे अपना बैंक ऐड कर सकते हैं और यूपीआई पिन कैसे क्रिएट करें। तो इसके लिए सबसे पहले गूगल पे ऐप जो है ओपन कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे आपको लैंग्वेज के ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे, तो आपको जो लैंग्वेज चुनना है उसको चुन लीजिए और चुनने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक करिए। उसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, तो मैं यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डाल दे रहा हूँ। उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पे आपका जो है ईमेल आईडी आपके अकाउंट के लिए चूज़ करना होगा, तो यहाँ पे आपको जो ईमेल आईडी आपका लगाना है वो लगा लीजिए। तो मैं देखिए तीन मेरे पास ईमेल आईडी हैं, तो उसमें से मुझे जो सही लगेगा उसको लगा के उसके बाद मैं कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा। उसके बाद आपके जो है नंबर, आपका नंबर वेरीफाई होगा, आपके नंबर पे एक ओटीपी आएगा और वो ओटीपी यहाँ पे जो है ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लिया जाएगा। इसमें बस थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो ये अपने आप जो है ओटीपी डिटेक्ट कर लेता है और आपका नंबर वेरीफाई हो जाता है। इसके बाद आपको जो है अपना एक पिन बनाना होता है गूगल पे के लिए, तो आप जब पैटर्न चूज़ कर सकते हैं, स्क्रीन लॉक या पिन, इसमें से जो चाहें आप जो है, मतलब आपको एक पासवर्ड बनाना होता है एक तरह से, उसको लॉक करना होता है। तो मैं यहाँ पे जो है अपना पैटर्न यूज़ करूँगा, आप चाहें तो पिन भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आपको बैंक ऐड करना होगा, तो आपको ऊपर दिखाई दे रहा होगा ऐड योर बैंक या ऐड बैंक। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कि बैंक की जो एक लंबी लिस्ट है, आपका जो बैंक है उसको आप चूज़ करिए। आपको याद रखना होगा, ध्यान रखना होगा कि जो आपने नंबर डाला हो आपके बैंक से रजिस्टर्ड होना चाहिए, मतलब आपके बैंक अकाउंट में रजिस्टर्ड होना चाहिए। तो उसके लिए आपके मोबाइल नंबर से एक ओटीपी भेजा जाएगा, उसके लिए बैलेंस भी कट सकता है, तो बैलेंस होना ज़रूरी है आपके मोबाइल नंबर में। तो ये देखिए बैलेंस भेजा गया, वो वेरीफाई होता रहता है, पहले जो आपका नंबर वेरीफाई होगा, फिर बैंक वेरीफाई होगा, फिर जो है अकाउंट वेरीफाई होगा, तो तीन तरह के वेरिफिकेशन होते रहते हैं, उसके बाद जो है कंफर्म हो जाता है। तो ये देखिए मेरा जो SBI में अकाउंट है, तो यहाँ पे वेरिफिकेशन डन हो गया। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है कि अपना जो डेबिट कार्ड है उसका लास्ट 6 डिजिट जो है डालना पड़ेगा, तो आप भी ऐसे ही करेंगे, यही फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे अपने डेबिट कार्ड का लास्ट 6 डिजिट जो है वो यहाँ पे डाल लेता हूँ, एक्सपायरी डेट नीचे डालना हो तो वो डाल लेता हूँ। इसके बाद आपको क्रिएट यूपीआई पिन, आपको इस पर क्लिक करना होता है और अपना यूपीआई पिन बनाना होता है। तो यूपीआई पिन ही देखिए, जितना भी पिन या सिक्योरिटी से रिलेटेड जो है मामला होता है वो सब मेरा स्क्रीन रिकॉर्डर जो उसको ब्लैक कर देता है, उसको रिकॉर्डिंग नहीं करता। तो मैं यहाँ पे अपना UPI पिन क्रिएट कर रहा हूँ। उसके लिए सबसे पहले आपको एक जो है OTP आएगा, पहले आप OTP डालिए, फिर उसके नीचे अपना UPI पिन डालिए। स्क्रीन रिकॉर्डर जो मेरा जहाँ जहाँ सिक्योरिटी का मामला आता है सब ब्लैक कर देता है खुद ब खुद। तो मैंने यहाँ पे अपना जो OTP जो आया था वो डाला है और उसके नीचे अपना UPI पिन। यहाँ पे लग रहा है OTP में थोड़ा प्रॉब्लम आ रही है, तो इसको रिट्राई कर लेते हैं। तो देखिए मैंने दोबारा से OTP मंगवाया है और फिर से मैं जो है इसको OTP डालूँगा और पिन। तो ये OTP आया है, एक बार इसको देख लेता हूँ अच्छे से। याद रहे दोस्तों, पहले आपको OTP डालना होता है, फिर उसके बाद आपको अपना UPI पिन डालना होता है।
और जो यूपीआई आईडी होती है वो आपको मिल जाती है जैसे ही आपका बैंक अकाउंट पूरी तरीके से जो है लिंक्ड हो जाता है। आप मतलब यूपीआई पिन जब क्रिएट कर लेते हैं तो आपका यूपीआई आईडी भी मिल जाती है। तो ये ऐड हो चुका है, अब मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ जिसको पैसे भेजने हो, रिचार्ज करने हो, जो भी करने हो, पेमेंट जैसे भी। तो बस इस वीडियो में यही बताना था आप लोगों को। वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। एक दूसरी वीडियो में इसके बारे में बताऊँगा कि आप जो इससे कैसे रिचार्ज कर सकते हैं, और पेमेंट के बारे में भी बताऊँगा कि आप कैसे जो इससे किसी को पैसे भेज सकते हैं। तो ये सारी जानकारियाँ मैं आपको देता रहूँगा समय समय पर। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आपको कोई जो है क्वेश्चन है तो उसको जो कमेंट में लिखें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपको इसी तरीके की और भी वीडियोस देखनी हो तो।